चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जड़ावाला वाक़े पर स्पीडी ट्रायल का हुक्म दें। इस्लामाबाद में मुनक़िदा बैन अल-मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में इलामा ताहिर अशरफी, जमात इस्लामी के मियाँ असलम और बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के खिताब में ताहिर अशरफी ने कहा है कि सानहा जड़ावाला पाकिस्तान का सानहा है, हम सब का सानहा है। इस मौका पर जिन बेटियों के जहेज जले वो हमारी और इस कौम की बेटियाँ हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जिन लोगों ने ये अमल किया उनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। सानहा जड़ावाला में जो दिल टूटे हैं उनकी दिलजोई हम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने यह भी कहा है कि आज मसीही बरादरी से माजरत करने के लिए इस्लामाबाद F8 चर्च में आए हैं। तमाम मकातबे फिक्र से 24 रकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ताहिर अशरफी ने कहा है कि कमेटी जड़ावाला केस को रोजाना की बुनियाद पर देख रही है। जड़ावाला वाक़े में सिर्फ मसीहियों के नहीं बल्कि मुसलमानों के घर भी जलाए गए। उनका कहना था कि अब तक मुलवस मुलजमान के खिलाफ स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर नहीं हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जड़ावाला वाक़े पर स्पीडी ट्रायल का हुक्म दें।